हर नंदी का बात भर नंद लाल लगे हर नंदी का बात भर नंद लाल लगे बात भर नंद लाल लगे बात भर नंद लाल लगे हर नंदी का बात भर नंद लाल भात भरेगा बोदा भाग्य बेचारी का और किया आरता हर नंदी ने नरसी छोड़ मुरारी का ओ किया आरता हर नंदी ने नरसी छोड़ मुरारी का और सबसे पहले हर नंदी को दखनी चीर उड़ाया था हीरे मोती दिए भात में थाल छलकता आया था और रथ में देके हाथ श्याम ने मनसा सेठ बुलाया था रथ में देके हाथ श्याम ने मनसा सेठ बुलाया था और जो सामान लिखिया परिचय में जो सामान लिखिया परिचय में लेना आप संभाले लगे जब निराली गहना करके प्यार दिया और कणी मणि की भेंट दई मनसा का पानी उतार दिया और कोड़ा मिश्र दाख छुआरे सब 25 मन तोल दिए गुड़ शक्कर और खांड करारी के अलग पिटारे खोल दिए और काजू और अखरोट संभालो जो मन सतन बोल दिए काजू और अखरोट संभालो अच्छा आप सभी यहाँ पे समझदार लोग बैठे हैं कई लोगों को आपने देखा होगा उनके अंदर उतने गट्स होते नहीं है उतनी हिम्मत होती नहीं है बट जब वो फेंकते हैं ना तो इतना फेंक देते हैं कि उनको खुद में समझ में नहीं आता कि उन्होंने क्या क्या बोला है वैसे ही मनसा सेठ को इतना एटीट्यूड था खुद में कि मेरे जैसा पैसे वाला कोई नहीं है लेकिन दुनिया में एक से एक पैसे वाला है और कहां द्वारिकाधीश की बात हो तब कहां सुनो मनसा मल जो चिट्ठी आपने भेजी थी उसकी कॉपी तो होगी वो कॉपी लाओ और मैच करते जाओ कोई सामान कम तो नहीं है और लिख दिया और 25 मन मेहंदी ले लो 25 मन मेहंदी ले लो हमें जाड़ा से
रेशमी कई हजार मिर्च मसाले सब चीजें थी जिनका लगा दिया बाजार। नरसी को कंगाल बतावे थे न्यू बतड़ा रे समयर सुरमा शाही मेकअप का सामान। अरे सुरमा शाही देखे ने फिर नेग जोग सब निपटाए और सोने के दो पत्थर लो जो बड़ी समधन ने मंगवाए। चिट्ठी में कि नीचे लिख दो वैसे तो तेरे पिताजी कुछ लाएंगे नहीं तो पत्थर लेके आ जाए। वही पत्थर दो सोने के पत्थर बना करके भगवान ने दिए। एक बार प्रेम से बोलिए मां के बिहारी लाल की। और भात की दो लाइनें आती हैं बड़ी सुंदर सी। हरनंदी को पूछा हरनंदी कौन है तेरा भाई तो कहा सुनिएगा। हो कठे से आई सो कठे सु आयो जीरो कठे सु आई सो और ना घाट का, क्योंकि घाट पे कुछ पानीहारी पानी भरने के लिए गई
झाड़ पे बहुत सारी माया पड़ी थी, पानी छोड़ा मटकों में माया भर ली। अब धोबी का घर खाली था, धोबी ने सोचा घर तो अपना है ही, घाट पे पहुंच गया घाट खाली मिला। लेकिन जब वापस घर आया तो पड़ोसी घर को साफ कर ले गए। अभी धोबी तो ना तो घर का बचाना, सुनिए ना कहावत धोबी का डैश 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 घर का ना घाट का, तो ऐसा कहा जाता है ये कहावत यहां से शुरू हुई है। और ये धोबी सोच घाट